हेलो, आइए सबसे पहले महाभारत वीरस की कथा आप सुनेंगे, उसके बाद आप लोकगीत श्रवण करेंगे। ये 101 रुपए की राशि श्रीमान प्रीतेश उइके भातड़ा वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना क्या बात उस समय की है, एक समय की बात है, पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में एक चक्र नगरी में अज्ञातवास के समय रह रहे थे। एक दिन भीमसेन के द्वारा बकासुर का वध हो जाता है। गांव वाले चर्चा करने लग जाते हैं कि बकासुर को मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, क्या चलो देखते हैं आखिर वे हैं कौन। पांडवों को जब ज्ञात हुआ, मन में विचारते हैं अगर हम यहाँ पर अब रुकते हैं तो हमारी पोल खुल जाएगी, हमें पहचान लिया जाएगा, इसलिए सुबह होने से पहले ही वो एक चक्र नगरी को छोड़कर और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसे ही काम्यक वन में पहुंचते हैं वहां पर असुरराज किरमिर मिलते हैं। किरमिर के साथ में भीमसेन का सामना होता है और किस तरह से वध होता है यही कथा आप सुनेंगे। क्या बात है, तुमने बकासुर का वध किया जो मेरा मित्र भी था, भाई भी था, आज मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या बात, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। भीमसेन कहने लगे कि भैया रहने दे, तेरे जैसे कई रणभूमि मैदान में आए और चले गए, क्या तुझे पता नहीं? हमें शेरों से लड़ने का भी हुनर आता है, तुझे कैसे मारना है ये हुनर भी आता है। कहना है कि हमें शेरों से भी युद्ध करने का हुनर आता है और तुझे कैसे मारना है इसका हुनर भी आता है। हमें पता है कि किसके फन को कैसे दबोचा जाएगा, हमें सब इसका हुनर आता है। कह रहे हैं कि असुरराज अब तुम आ ही गए हो समर मैदान में तो जीवित बचकर नहीं जाओगे, अभी फैसला यहीं पर हो जाएगा। कहना है हमें मारने वाले तो मर गए, मैदान में तो आए फिर वो घर नहीं। कहा कि भैया हमें मारने वाले कई मर गए, अरे वो मैदान में आए पर घर नहीं गए, तो धरती पे चल उड़मत नजर में दिख जाएगा, अरे सामना कर ले तो थोड़ी देर टिक जाएगा, क्योंकि ये महाभारत की लड़ाई खेल रही है बच्चों का। अरे कट जाता है सर अच्छे, क्या कह रहे हैं समय को देखते हुए। हो जाए
फैसला कहा कि दुष्ट अभी तुझे पता चल जाएगी ये बात कि किसकी कितनी औकात है। और कहना है वैसे भी शहर के नलों की टक्कर में देहात का एक तालाब काफी है। शहर के नलों की टक्कर में देहात का एक तालाब काफी है। अरे मर्द की आबरू के लिए मूछ का एक बार काफी है। क्या कह ये जितने भी हैं परिंदे कुछ ही समय पहले घोंसलों से ये निकल कर आए और अब उछलने लगे हैं। इनको इनकी औकात दिलाना जरूरी है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं। हो जाएगा अब फैसला, हो आज यम के हवाले करेंगे। तुझे यमराज के हवाले आज हम करेंगे। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जितना जितनी इच्छा है आज हम सब पूरी करेंगे। क्या कह रहे हैं, वो सारी इच्छा को पूरी करेंगे। कहा वो सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से पकड़े करेंगे। वो सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से पकड़े करेंगे। सारी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से पकड़े करेंगे। हो जाएगा अब फैसला, आज यम के हवाले करेंगे। क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, कृपया कर हमारे धीरज काजदे का अगर आनंद लेना है तो ताली से स्वागत जरूर करें। अगर भजन का आनंद लेना है तो ताली से भजन होते हैं, ऐसे शांतिपूर्वक बैठ के भजन नहीं होते। कृपया कर एक बार धीरज काजदे के लिए जोरदार ताली। हेलो 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 हेलो, क्या कह रहे हैं। वो तेरी इच्छा को पूरी कर, इन्हीं हाथों से टुकड़े कर। इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े कर। इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े कर। हो जाएगा अब फैसला, हो जाएगा अब फैसला, आज यम के हवाले करेंगे। कहा कि असुर राजा तुम बचकर नहीं जा सकते। ये 101 रुपए की राशि छोटा भाई सुभाष सोई के आपकी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहना है क्या, तेरी हाँ तेरी हो तेरी हो तेरी, तेरी इच्छा को पूरी कर, इन्हीं हाथों से टुकड़े कर। मेरा निशाना कोई झेल नहीं पाया है दुष्ट, तेरी औकात का पता ही तुझे चल जाएगा। कहा नहीं झेलेगा मेरा निशाना यहाँ, न मिलाएगा यहाँ पे हाथ मेरा। क्या बात है, वो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे।
दोनों में संग्राम छिड़ जाता है। वो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से तो करेंगे, तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से तो करेंगे, तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से तो करेंगे। दोनों में संग्राम छिड़ जाता है। असुरराज किरमिर आकाश मार्ग से पेड़ और पत्थरों की बारिश करते हैं भीम से, उनका जवाब देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये 501 रुपए की राशि आई है, इसमें परम आदरणीय हमारे श्री हेमराज जी उइके, श्री मेलाराम जी उइके, श्री दिलीप जी उइके और पुत्र पंकज उइके और पीयूष उइके, आपकी ओर से मंडल को 501 रुपए की राशि आई है। और ये 501 रुपए की राशि इसमें हमारे आदरणीय उप सरपंच महोदय श्री विनोद जी यादव आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है। और किस तरह से अंत में असुरराज किरमिर का वध होता है भीमसेन के द्वारा, क्या कहना है? भीमसेन कह रहे हैं कि दुष्ट तेरी औकात क्या है, मैं देख चुका हूं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हो नादान दुश्मन बनके तू मेरा काहे को चिल्ला, नादान दुश्मन बनके तू मेरा काहे को चिल्ला, नादान दुश्मन बनके तू मेरा काहे को चिल्ला। अरे महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना, महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना, महंगा पड़ेगा मुझसे उलझना, अरे बात समझना। फोकट में क्यों चिल्ला मेरे हाथों से मारा जा, फोकट में क्यों चिल्ला मेरे हाथों से राशि श्री कमलेश जी हुई के प्रीतेश हुई के आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहना है क्या? अरे फोकट में फोकट में क्यों चिल्ला मेरे हाथों से मारा जा, असुरराज किरमिर का वध हो जाता है भीमसेन के द्वारा। अब आप लोकगीत सुनेंगे और ये 101 रुपए की राशि आई है हमारे परमादरणीय श्री परमानंद जी उइके, सुषमा उइके और जिया उइके और नवीन उइके आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। और ये और 501 रुपए की राशि आई है हमारे श्री नारायण यादव भूतपूर्व सरपंच उप सरपंच महोदय और हमारे आदरणीय दिनेश भाई यादव आपकी ओर से 501 रुपए की राशि आई है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है। तो देखिए, हमसे पहले आपने कई तरह के लोकगीत सुने, जिन्हें हम कैसेटों में हर दिन सुनते रहते हैं, वही लोकगीत सुने आपने। हम आपको सुना रहे हैं जो लोकगीत हम सुना रहे हैं, ये कैसेट में आपको सुनने को ये लोकगीत नहीं मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ
बाबा के दरबार में मेला लगा हुआ है और मेले में एक जोड़ी घूमने के लिए आई है। क्या बात है। जो गांव का एक देहात का एक बालक था जो शहर पढ़ाई करने के लिए गया और 20 साल के बाद जब गांव लौटा तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। दोस्त वगैरह मिले, कहा कि भैया तो 20 साल के बाद आया और तेरी अब शादी हो गई, तेरी नौकरी भी लग गई, बहू कैसी है बता तो सही। और बड़े लाड़ से उसे गांव वाले सब कल्लू कहा करते थे, कल्लू भैया। क्या बात है। हमारे कल्लू भैया की शादी हो गई है तो दोस्त वगैरह पूछ रहे हैं कि दुल्हन कैसी है। तो जैसे ही दुल्हन की बात आई कल्लू भैया ने करम ठोंक लिया, आंखों से आंसू बहने लगे और क्या कहा, क्या? अरे करम ठोंक रोवे भैया कल्लू, करम ठोंक रोवे भैया कल्लू, दुल्हनिया मिल गई मोटल्लू। ये 51 रुपए की राशि आदरणीय भाई साहब हमारे श्री बस्ती राम जी कासदे रानापुरा वाले आपकी जानिब से मंडल को सत्र भेंट हो रही है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, आभार व्यक्त करते हुए कहना है। और सज्जनों, पहले हम देखते थे कि बच्चों का विवाह माँ बाप पसंद से कर देते थे तो हमें स्वीकार हो जाता था। आजकल माँ बाप की नहीं चलती है। हमारे प्रकाश भैया पहली वाले 51 रुपए प्रदान करते हैं हमारे मुकेश भैया डांसर के लिए, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कल्लू कह रहे हैं कि भैया मैं का बताऊं, मैंने तो बहुत मना किया समझाया किंतु दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ये नहीं माने। कहा अरे दादा ने भैया का बताऊं, इतने पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, आखिर उल्लू तो बन ही गए। कहा क्या, अरे पढ़े लिखे बने हम तो उल्लू, दुल्हनिया मिल गई। एक गोंडी गीत मैंने भी लिखा है लोकगीत के तौर पर, आप उसे सुनेंगे। ये किसी कैसेट में नहीं है जो आप सुनते हैं। आज बाबा के दरबार में ग्राम भतना में मेला लगा हुआ है तो देवर ने भाभी से कहा और साली ने जीजा से कहा। साली ने कहा कि जीजा जी आप भतना के मेले में आए हो, अच्छी बात है, हमें इंतजार था, अब तुम आ गए हो तो खर्चा तो करोगे और करना पड़ेगा।
और भाभी भी कहने लगी देवर से कि देवर जी बहुत दिनों के बाद आई हूँ यहाँ पर, सब कुछ तुम्हें ही देखना पड़ेगा। बोले भैया कहाँ है? अरे वो तो अब मैं क्या बताऊँ, समय के साथ। क्या कहना है? क्या रे बातो ना अन्ना बाजार सांगो, वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर ते मेरा लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर ते मेरा लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर ते मेरा लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर ते मेरा लगता। हनुमान मंदिर ते मेरा लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर से मेला लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर से मेला लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर से मेला लगता। हनुमान मंदिर ते भीड़ लगता, हनुमान मंदिर ते भीड़ लगता, हनुमान मंदिर ते भीड़ लगता। ते भीड़ लगता, ते भीड़ लगता, पैसा 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 सिखी उधार सांगो, हनुमान मंदिर से मेला लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर से मेला लगता। वातो ना अन्ना बाजार सांगो, हनुमान मंदिर से मेला लगता। ओ हनुमान मंदिर ते झूला लगता, हनुमान मंदिर ते झूला लगता, हनुमान मंदिर ते झूला लगता। ते झूला लगता, ते झूला लगता, ₹21 की राशि आदरणीय श्री जिया लाल जी हुई के और एक